या फिरौती की रकम मांगने के लिए फ़ोन आया। अब हम बात करते हैं। मैं, हाँ जी सर बताएं। हेलो, पंकज शर्मा बात कर रहा हूँ, और जो रविंदर का भाई। हाँ सर बताएं, इसका क्या मैटर है, कितने रुपए देने हैं इनको, क्या करना है मुझे बताएं। आप कौन बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूं। आप सोनू बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो बताएं आप इनको कितने रुपए देने हैं, क्या करना है मुझे बताएं। हेलो, हाँ जी मैं पंकज शर्मा बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं इनका क्या मैटर है, कौन सा थाना है, कौन सी पुलिस है, क्या है? शर्मा जी देखिए, इसके अंदर ये था, ये कौन सा थाना पड़ता है? टेक्नो सिटी है ये, कोलकाता में। अच्छा, टेक्नो सिटी थाना है, सपूर्दी पड़ता है, सपूर्दी टेक्नो सिटी। ठीक है। ये अपना यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी थी, एक तो फ्रेंचाइजी है रोहित जायसवाल है, चिनार पार्क की फ्रेंचाइजी थी, 1 करोड़ रुपए दिया था इन्होंने। अच्छा ठीक है। और एक है परवीन, इनको वापस कितने करें? इनको वापसी तो 60 लाख दिए थे सर। 60 लाख? और दुकान खुलवा के दी थी? ठीक, मैं अभी कोई बात कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ पूरा। दुकान खुलवा के दी थी, बाकी कितने, 40 लेंगे, कितने लेंगे ये? नहीं ये तो अभी पूरा ही मांग रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि देखो इनको पूरा ही देना पड़ेगा, 2 क्लाइंट है यहाँ पे। अच्छा, एक तो है ये रोहित जायसवाल चिनार पर, इनको 1 करोड़ देना पड़ेगा, और एक है परवीन भट्ट है जिनको अपना 40 कैसे 45 उनके वो बता रहे हैं, तो 1.5 करोड़ है। यहाँ से कंपनी शुरू हुई थी, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, जो बबली पटेल है, बबली पटेल मेरी फोटो लगी हुई है। ठीक है। और राजकुमार शर्मा। अच्छा मुझे एक और बात बताएं मुझे कि FIR नंबर क्या है यहाँ पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप छोड़ के नहीं गए, कुछ नहीं छोड़ के गए। ये 65/20 का FIR नंबर, 65/20 65/20। अभी कोई क्या, और ये जायसवाल जी कितने रुपए में मान जाएंगे, क्या करेंगे बताओ? तो आप वही कह रहा हूँ, आप भेज दो किसी को यहाँ पे, मान जाएंगे, बात करेंगे इनसे, किसी ना किसी को भेजेंगे तभी मुलाकात हो पाएगी ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जैसे नोएडा के अंदर धरपकड़ हो रही थी ना, वैसे यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किसी को भी भेजेंगे आप, तो आके मिल लेंगे, बात हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ कि नोएडा से कहाँ से अरेस्ट हुए थे आप? नोएडा से हम हुए थे, अपना ये ऑफिस से हुए थे। ऑफिस से हुए थे या नागपाल ज्वेलर से हुए थे? वहीं से। कहाँ से हुए थे सही बताएं? हाँ जी सही बताएं, कहाँ से हुए थे? वहीं पे गए थे हम, कुछ सामान लेने गए थे नागपाल ज्वेलर के सामने से। कितने तारीख को अरेस्ट हुए थे आप? 19 तारीख। कितने बजे हुए थे अरेस्ट? जी तकरीबन 2:30 बजे। 2:30 बजे 19 या 20 तारीख को, 20 अगस्त को हुए थे तुम? हाँ जी हाँ। नागपाल ज्वेलर के सामने से अरेस्ट हुए थे। आप एडवोकेट हैं क्या? नहीं मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मैटर वो भेज रहा हूँ पैसे। अच्छा है ना, मैं पैसे भेज रहा हूँ। तो आगे बात हो रही है हमारे, आगे जो है उनसे बात हो रही है आपकी? हाँ उनसे बात हो रही है, उनसे बात चल रही है अभी। वो हरीश जी हैं, उनसे बात कर लीजिए, हरीश भाई जी को बोल दीजिए कि वो कर देंगे इनका सेटलमेंट जो भी है। हाँ हरी प्रकाश से बात हो, देखो हरी खुल के बात हो चुकी है, यहाँ से कड़ी स्टार्ट हुई थी, अगर यहाँ से कट जाएगी तो हमारा हर तरफ हमारा सारी प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगी। अच्छा, जो सोल्यूशन है यहीं पे है, यहीं से, क्योंकि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी तक हमारे गुड़गांव में भी ऑफर फटी हुई है, ठीक है, वहाँ गांधी और संजय अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, वो कल परसों अरेस्ट हुए, उन्होंने हमारा जे विजय का नाम लिया है वहाँ पे, अभी वहाँ का भी रिमांड आएगा। और आपके साथ साथ नेहा चौहान को कैसे ले लिया इन्होंने? नहीं रिंसी नहीं, नेहा को और सोना वर्मा को क्यों उठा लिया घर से 11 बजे रात को? वो पता नहीं। तो आप लेके गए थे साथ में? आप नहीं, उनका था, एड्रेस था। नहीं आप साथ में थे ना उनके? हाँ मैं साथ में था। वो वहाँ पापा भी मिले थे? हाँ सभी थे वहाँ पे। उनके पापा मिले थे, और कौन कौन मिला था? पापा थे, मम्मी थे, और बाकी वो दो जने थे।
क्या कौन कौन थे, क्या क्या वहाँ नाम से थे? मतलब उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले थे कुछ, इसलिए वो साथ में ले आए थे, बस कहते साइन करके हम छोड़ वो छोड़ देंगे। फिर पता नहीं, हमें तो डाल दिया था अगले दिन ही, जेल में डाल दिया था हमें तो। अच्छा, तो मैं दूसरे दिन ही डाल दिया था। हाँ, तो हमें आप 22 तारीख को डाला है, 22 तारीख को। वो पकड़ा कब था तुम्हें? 19 को 19 19 को या 20 को पकड़ा था? 20 3 दिन हो गए थे हमें, 19 20 21 अच्छा तीन दिन हो गए थे। 19 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे पकड़ा था हमें। अच्छा, उन्नीस टीपी नगर चौकी में थे हम। टीपी नगर चौकी थाने में थे आप? हाँ, चौकी में, चौकी में, चौकी में थे, टीपी नगर की चौकी, सेक्टर 63 और में पड़ती है। कहाँ थाने में पड़ती? 3 दिन बाद लेके थे हमें। और थाने में 3 दिन बाद लेके गए थे। हाँ जी। और कोर्ट में कब पेश किया था? कोर्ट में जिस दिन पेश किया उसी दिन हाँ? प्रेम प्रकाश आया था, 22 तारीख को। 22 तारीख को क्या, उसी दिन डाल दिया था जेल में सेम डे। प्रेम प्रकाश कितने तारीख को आया था? वही 22 तारीख को आया था हमारे पास, 22 अगस्त। 22 अगस्त। आप 20 को अरेस्ट हुए थे, 19 को? 19 को 19 को अरेस्ट हुए थे आप, 2:30 बजे के आसपास। 19 अगस्त 2020 को आप अरेस्ट हुए थे। अभी इन भाई साहब का क्या करना है, इन भाई साहब का बताओ। ये रोहित जायसवाल हैं, कौन है ये? मेरी बात बताएं, मेरी मेरे सवालों को जवाब दें। हमें नहीं पता चल रहा ये रोहित जायसवाल हैं। हाँ, रोहित जायसवाल हैं, इनका एग्रीमेंट हुआ है अपना, बता दीजिए नाम बता दीजिए। हरीश चंद्र जायसवाल इनके फादर का नाम है। अच्छा, हरीश चंद्र जायसवाल के नाम से। अब और दूसरा, दूसरी पार्टी कौन है? परवीन भट्ट है। परवीन भट्ट है, हल्द्वानी की है, 900 स्क्वायर फीट की। अच्छा, 900 स्क्वायर फीट की। उनके मेरे सवालों का जवाब दीजिए, बाद में सुनूंगा। उनके उनके कितने रुपए बनते हैं? उनके 45 लाख बनते हैं। तो उनको कोई पैसे वापस दिए हैं आपने? पैसे वापस नहीं, बस वही जो अपना इंटरेस्ट और रेंट वेंट जाता था, वही चीज़ें हैं। वही परवीन भट्ट को कितने दे चुके हो आप? तकरीबन 25 लाख दे चुकी हो। सिविल मैटर था ना ये? 20-25 होंगे अप्रोक्स। एग्रीमेंट किया था इन्होंने? हाँ, एग्रीमेंट किया हुआ था। और FIR 2020 में। तो आपने पैसे क्यों नहीं दिए इनको? हाँ जी, तो आपने पैसे क्यों नहीं दिए इनको? इनकी सेटलमेंट की बात चल रही थी, लेकिन वो गांधी जी बीच में आ गए थे ना, वो गांधी जी ने कमान ले रखी थी। हमने तो कहा था दे दो, गांधी जी को बोला था दे दो, लेकिन वो उनकी हरीश जी से बनते थे, उन्होंने हमें लात मार के साइड कर दिया। वो कहते हम देख लेंगे। उस टाइम ये बीच में अनबन हो गई थी, कोरोना आ गया, तो उससे पहले काम चल नहीं रहा था, थोड़ा सा डाउन हो गया था। हम तो सेटलमेंट करने को तैयार थे, लेकिन वो बीच में उन्होंने मना कर दिया था कि मत कीजिए, मैं अपने आप देख लूंगा जो भी होगा। अच्छा, अभी तो ये कह रहे हैं कि मुझे पूरा ही चाहिए हमारा पैसा। हमें वो तो हमारा बिजनेस के लिए पैसा दिया था, वो तो मैं बिजनेस में वो लग गया, तुम्हारा लॉस है।